दिल्ली के बुद्ध विहार में मोबाइल शोरूम में लगी भयंकर आग। एक मोबाइल की दुकान धू धू कर हुई खाक। स्थानीय लोगों ने खुद बाल्टियां भर भर कर बुझाई आग। लोगों का आरोप, समय पर कॉल करने के बावजूद देरी से पहुंची दमकल की गाड़ियां। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। फिलहाल आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में बीते दिनों दिल्ली के मांगेराम पार्क में हुई आग की घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी कि अब दिल्ली के बुद्ध विहार में एक मोबाइल शोरूम में अचानक आग लग गई। दरअसल विजय विहार थाना इलाके के बुद्ध विहार में मोबाइल की दुकान में एक भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही इस आग ने पड़ोस की दुकान को भी अपनी आगोश में ले लिया, जिससे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों की माने तो दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन करीब एक घंटे की देरी के बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने खुद बाल्टियां भर भर कर आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक दुकान का लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सब कुछ जलकर राख हो गया। उसके बाद में आई कम से कम पौना घंटा बाद में मैं 10:10 में दुकान बढ़ाया हूँ और 5 मिनट में घर पहुँच गया हूँ। उसके बाद में फ़ोन आया, 5 मिनट आने में लगा मेरे को। पड़ोसी ने दुकान पर फ़ोन किया ना हमारे पास कि आपकी दुकान में से आग निकल, कुछ भी नहीं है आपके सामने, देखो ना उधर कैमरा घुमा के देखो, आप क्या बचाओ, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जल के राख हो गया। फिर आइए जब खत्म हो गया, 15-17 लाख रुपये का नुकसान हुआ, सारी मोबाइलें थे, 2 लाख रुपये की मशीनें थी, कवर था, टेम्पर था, हैंडमेड था, रिकॉर्डिंग के सामान थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मोबाइल में लगती हो ना हो, हैंड फ्री थी। पड़ोस वाले भैया हैं, ये रहे ओनर जिनकी दुकान जल करके खाक हो चुकी है। हम दोनों की साथ साथ दुकानें हैं। जब इनकी दुकान में आग लगी थी, ये अब से 1.5 घंटे पहले की घटना है जी, तब हमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी कि भाई क्या हो रहा है, ये आग लग रही है कहीं ना कहीं। मेरे को जो साथ में कस्टमर खड़े हुए थे उन्होंने मेरे को बताया, मैंने अपनी दुकान को चेक किया, मैंने सारे देखा, मैंने कहा भाई मेरी दुकान में कहीं नहीं लगी है, कोई भी चीज़ मैंने चालू नहीं छोड़ रखी है। तब मैंने देखा कि बगल वाले पड़ोसी की दुकान से बदबू आ रही है, धुआं उठने लगा है। पहले हमने 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल किया, दूसरी बार हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, उसके बाद हमने ओनर को कॉल किया। जब ओनर टाइम पर नहीं पहुँच पाए तो हमने ताला तोड़वाया। ताला तोड़ने के बाद में आग इतनी बढ़ चुकी थी, अंदर से विस्फोट पदार्थ हो रहे थे क्योंकि उसमें मोबाइल भरे होते जी, बिल्कुल सारे फट रहे थे। हमने जैसे तैसे अपने पीने का पानी भी उस पर डालने की कोशिश की, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। सारा पानी खत्म हो चुका था हमारे पास, सिर्फ एक ही सहारा रह गया था, फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंचे तो हमारे जान बचे, हमारा माल तो बचे तो बचे, लेकिन जान भी खतरे में थी। फायर ब्रिगेड जब आई है, जब हमने सब कुछ देख लिया कि हमारा काम खत्म हो चुका है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, हमारे प्रयास भी विफल हो चुके हैं। मैम ये शॉर्ट सर्किट मोबाइल की, हाँ मोबाइल की शॉप है, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ज़्यादा नहीं मैम, कोई आता तो नहीं है, दुकान का लगभग सामान जल चुका है सारा। बहरहाल गनीमत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया है कि समय पर कॉल करने के बावजूद देरी से दमकल की गाड़ियां पहुंची। लोगों ने दमकल की टाइमिंग पर भी कई सवाल उठाए। फिलहाल आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है, जबकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जो कि एक जाँच का विषय है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।